मानी के आगे कोई और कुछ खरीद सकता है क्या? इस देश में अगर कोई बड़ी चीज बिक रही है और उसमें अंबानी का नाम नहीं आया है खरीदने वालों में, तो शायद आपको हैरत करनी चाहिए। ओटीटी की दुनिया इस समय लगातार बढ़ती जा रही है, फलती जा रही है, फूलती जा रही है। ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स निकलकर सामने आ रहे हैं। हर एक प्लेटफॉर्म अपने आप को दूसरे से बेहतर बनाने के लिए नई नई चीजों को ट्राई कर रहा है। अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि आईपीएल से जियो सिनेमा का एक बार फिर से उदय हुआ। काफी पुराना प्लेटफॉर्म है लेकिन ये सडनली एकदम से लाइमलाइट में आ गया, फ्री में आईपीएल दिखाया, फ्री में फीफा वर्ल्ड कप दिखाया। और उसके बाद अंबानी का एक फोकस क्लियर हो गया था कि भैया इसके ऊपर पैसा खर्च होने वाला है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंबानी की गाड़ी यही नहीं रुकेगी, अब डिज्नी भी इनके अंटे में आ गया। जी हाँ, वही डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो हम देखते रहते हैं। दरअसल मामला कुछ यूं है कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज वॉल्ट डिज्नी के भारतीय कारोबार को खरीदने की तैयारी कर रही है। इससे जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मर्जर हो सकता है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के अनुमानित वैल्यूएशन करीब 83,138 करोड़ रुपए है और उस डील की कीमत करीब $5 बिलियन हो सकती है। ओटीटी एप्स की दुनिया में मुकेश अंबानी सबसे बड़े खिलाड़ी बनने के रास्ते पर निकल चुके हैं। दरअसल मुकेश अंबानी दुनिया की सबसे बड़े प्रोडक्शन स्टूडियोज में से एक वॉल्ट डिज्नी के भारतीय कारोबार को खरीदने जा रहे हैं। ये एक मल्टी बिलियन डील है। बता दें कि वॉल्ट डिज्नी को इंडियन बिजनेसेस को भारत में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के नाम से जाना जाता है। इसी ऐप पर फिलहाल मौजूदा आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का लाइव प्रसारण भी हो रहा है। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज वॉल्ट डिज्नी के इंडियन ऑपरेशंस को खरीदने जा रही। अगर ऐसा होता है तो जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मर्जर हो सकता है। इस तरह ओटीटी एप्स की दुनिया में अंबानी का राज होगा, क्योंकि डिज्नी अमेरिका की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार लंबे वक्त से भारत में कारोबारी लिहाज से चुनौतियों का भी सामना कर रही थी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार का अनुमानित वैल्यूएशन करीब $10 बिलियन मतलब करीब करीब 83,138 करोड़ रुपए है। ऐसे में रिलायंस और मुकेश अंबानी के बीच में करीब $5 बिलियन की डील हुई है। ऐसे माना जा रहा है कि रिलायंस और डिज्नी की तरफ से इस मामले में नवंबर तक ऐलान किया भी जा सकता है। इससे पहले मुकेश अंबानी की जियो सिनेमा की तरफ से इंडियन प्रीमियर लीग के राइट्स को 22,450 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। इसके बाद इसे फ्री में आम यूजर्स को दिखाया गया। इसके बाद जियो सिनेमा के सब्सक्रिप्शन में जोरदार इजाफा हुआ। जियो सिनेमा से पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार लंबे वक्त तक आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स की स्ट्रीमिंग राइट हासिल करता रहा है, लेकिन जियो सिनेमा की एंट्री के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार को सब्सक्रिप्शन के साथ समझौता करना पड़ा था। यूजर्स को डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन अब नहीं लेना पड़ेगा। साथ ही जियो की तरफ से फ्री में टीवी, लैपटॉप और मोबाइल पर लाइव क्रिकेट स्ट्रीमिंग की सुविधा भी दी जा सकती है। साथ ही सब्सक्रिप्शन प्लान को जियो रिचार्ज प्लान के साथ भी जोड़ा जा सकता है। वहीं सब्सक्रिप्शन प्लान की दर कम भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, अब ओटीटी का गेम भी बदलने वाला है। जहां अभी तक डिज्नी और अमेजन प्राइम को ही इंडिया में एक मेजर कंटेंडर के तौर पर देखा जाता था, तो वहीं अब जियो भी इस रेस में आ जाएगा। हो सकता है इनको सेपरेट एंटिटी की तरह चलाया जाए, या हो सकता है इन दोनों का मर्जर करके एक कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज बना दी जाए। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल तय जय हिंद जय भारत।